एपिसोड की शुरुआत में हमें लेफ्टिनेंट मोमो दिखाई जाती है जो कैप्टन आइजन के लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। साथ ही अब मोमो जेल से भी भागना चाहती है और फिर वो गार्ड को बेहोश करके यहाँ से निकल जाती है ताकि वो कैप्टन आइजन के किलर को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट रंगी को दिखाई जाती है जिसे अपने पास्ट के ड्रीम्स आ रहे थे, जिसमें हम देखते हैं कि काफी साल पहले जब रंगी को भूख से तड़प कर मर रही थी तब इचिमारो गिन ने उसकी हेल्प की थी। उसी दिन से रंगी को के दिल में गिन के लिए एक स्पेशल जगह बन गई थी। तो अपनी नींद खुलने पर रंगी को कैप्टन तोशिरो से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि गिन इचिमारु एक ट्रेटर है जिसने कैप्टन आइजन का मर्डर किया है? तो ये सुनकर तोशिरो कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो रंगी को दुखी करना नहीं चाहता। पर तभी यहाँ पर एक शिनिगामी आ जाता है जो इनके सामने रिपोर्ट करता है कि रेंजी और लेफ्टिनेंट मोमो अपनी प्रिजन से भाग चुके हैं। तो ये सुनकर तोशिरो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि सोल सोसाइटी में जेल ब्रेक एक सीरियस ऑफेंस है जिसके लिए मोमो को हैवी पनिशमेंट भी मिल सकती है। साथ ही अब तोशिरो इस बात से भी काफी परेशान है कि आखिर मोमो किसके पीछे जा रही है, क्योंकि तोशिरो को अच्छे से अंदाजा है कि मोमो जब तक आराम नहीं करेगी जब तक उसे रियल किलर का पता न चल जाए, यानी अब मोमो रियल किलर को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। तो ये सोचकर तोशिरो काफी ज्यादा वरिड है क्योंकि अब मोमो की जान खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि जो आदमी कैप्टन आइजन को मार सकता है वो मोमो को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। तो तोशिरो मोमो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और जांगेत्सु के बीच तगड़ी फाइट चल रही थी जिसमें जांगेत्सु लगातार इचिगो की शॉट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। साथ ही वो इचिगो की बहुत बुरी मार भी लगा रहा था, पर इचिगो बड़ी तेजी से अपनी फाइटिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करता जा रहा है। तो ये देखकर योरोइची काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है कि ये लड़का तो एक जीनियस है जो इतनी तेजी से स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। पर अब इचिगो के बांकाई अचीव करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्द ही इचिगो जांगेत्सु को बराबर की टक्कर देने लगता है, साथ ही उसकी शॉट भी काफी देर से टूटी नहीं है। पर तभी योरोइची की कास्टर टेक्निक रिलीज हो जाती है जिससे जांगेत्सु की जगह पर वो वाली डॉल आ जाती है जिसमें इचिगो ने अपनी शॉट को घुसाया था। तो ये देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान है। तो योरोइची क्लियर करती है कि आज की ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें अपनी इंजरीज को ट्रीट कर लेना चाहिए। इसके बाद इचिगो एक हॉट स्प्रिंग में जाकर बैठ जाता है जिसका पानी इतना मैजिकल था कि इचिगो की इंजरीज जरा सी देर में ठीक हो जाती हैं। तो ये देखकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, तो वो इस पानी को पीने लगता है। पर तभी योरोइची यहाँ पर आ जाती है और अब उसका इरादा इस स्प्रिंग में एंटर करने का था। तो उसे ऐसा देख इचिगो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, पर योरोइची भी बहुत चालू थी। वो स्प्रिंग में एंटर करने से पहले ही अपने कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये देखकर इचिगो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। तो योरोइची उसे टीज करने लगती है। तो इचिगो योरोइची से पूछता है कि ये जगह उराहारा शॉप बेसमेंट की जैसी क्यों है? तो योरोइची इचिगो को क्लियर करती है कि उराहारा शॉप का बेसमेंट इसी जगह के बेस पर डिजाइन किया गया है क्योंकि इस जगह से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन में मैं और उराहारा इसी जगह पर खेला करते थे, साथ ही हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग भी किया करते थे। तो ये सुनकर इचिगो योरोइची से पूछता है कि आखिर उराहारा कौन है? तो योरोइची सीरियस होकर बोलती है कि किसके उराहारा पहले एक शिनिगामी हुआ करता था, साथ ही वो स्क्वाड 12 का कैप्टन हुआ करता था जो कि सोल सोसाइटी के रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड था। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है कि वो येड़ा सा अंकल पहले एक साइंटिस्ट था। पर जब इचिगो का ध्यान योरोइची पर नहीं था तब योरोइची अचानक से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रिलीज कर देती है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तो उसे ऐसा देखकर इचिगो की हालत खराब हो जाती है। वेल, ये लेडी तो इचिगो को बार बार परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गिन ने अपने लेफ्टिनेंट को आजाद करा लिया था, पर तभी उसके सामने कैप्टन तोशिरो आ जाता है जो अब डायरेक्टली गिन को मारने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर कैप्टन गिन ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो
तोशिरो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तभी यहाँ पर मोमो आ जाती है, जिसे देखकर तोशिरो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। पर तभी अचानक से मोमो तोशिरो पर अपनी तलवार तान देती है, जिसे देखकर तोशिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो मोमो उसे क्लियर करती है कि मुझे कैप्टन आइजन के लेटर से पता चल चुका है कि तुम ही कैप्टन आइजन के किलर हो। तो ये सुनकर तोशिरो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो तो मोमो को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था, पर मोमो ने तोशिरो के बजाय एक फेक लेटर पे भरोसा कर लिया है। तो वो मोमो को समझाने की कोशिश करता है, पर मोमो तो तोशिरो की बात सुनना चाहती ही नहीं है, जो डायरेक्टली तोशिरो पर हमला करने लगती है और पूछती है कि तुम्हारी कैप्टन आइजन से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके लिए तुमने कैप्टन आइजन को मार दिया। मगर इस बात का तोशिरो के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि असल में उसने तो कैप्टन आइजन को मारा ही नहीं है। और अब तोशिरो को यकीन हो चुका है कि मोमो को मिला लेटर प्रोबेबली एक फेक है, जिसके थ्रू मास्टरमाइंड तोशिरो को फ्रेम करना चाहता है। तभी तोशिरो को गिन की स्माइल नजर आने लगती है, तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ कैप्टन गिन का किया धरा है। तो वो बड़ी आसानी से मोमो को नॉकआउट कर देता है, क्योंकि वो मोमो से फाइट करना नहीं चाहता। जिसके बाद वो गिन से बोलता है कि तुमने मोमो को बैडली हर्ट किया है, अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ये दोनों ही कैप्टन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।